अभी दिखने चाहिए अपन लाइव चलिए तो तैयार है सारे बच्चे करें शुरुआत अभी भी नहीं दिख रहा है अभी दिखने चाहिए अपन यस yes, अभी दिखेंगे अपन लाइव यस सर ओके सो लेट द मैजिक बिगिन एवरीवन ओवर हियर तो यहां पर जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं हम लोगों ने कौन सी एमटीपी को कंप्लीट किया था अक्टूबर की एमटीपी को हम लोगों ने कंप्लीट किया था अक्टूबर 2018 को फिर हम लोगों ने शुरू किया था अक्टूबर 2020 को तो अक्टूबर 2020 में बीसीके को अपन ने खत्म कर दिया है और बिजनेस uh, इकोनॉमिक्स अपन शुरू किए हैं तो फटाफट से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड अक्टूबर 20 की एमटीपी बिजनेस इकोनॉमिक्स हम लोग कर रहे हैं ठीक है यस So, तैयार है सारे बच्चे YouTube पर तैयार है सारे बच्चे स्पेशल क्लास पर तैयार है सारे बच्चे सब जगह पर राइट सो लेट द मैजिक दिए थे क्वेश्चन कुछ अपन ने कम्पलीट किए थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग अपन यहाँ पर फिश वाला क्वेश्चन लास्ट किए थे राइट right? फिश वाला क्वेश्चन लास्ट किए थे अपन करेक्ट ना ना ओके तो सेवनटीन से करना है अभी कोका कोला एंड पेप्सी आर सब्सटीट्यूट कोका कोला एंड पेप्सी आर सब्सटीट्यूट इन द प्राइस ऑफ कोका कोला विल डैश द डिमांड फॉर पेप्सी एंड द क्वांटिटी फॉर द पेप्सी सोल्ड विल डैश सो यहाँ पर आपको सोच समझ कर आंसर देना है बहुत ही सिंपल है हमारे स्टडी मटेरियल के एमसीक्यू में भी ये सवाल पूछा गया है सो आई होप लोग यहाँ पर गलत नहीं होने वाले हैं I just request you guys to be very 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 sincere about it. मैं यहाँ पर जो सारे नए बच्चे देखने वाले हैं मैं उनको कह दू कि आज हमारा ये L5 है, that is lecture number five. हम लोगों ने पहले चार लेक्चर भी कर लिए हैं मैं आपको बता दू कि ये जो सीरीज चल रही है हमारी ये चलेगी करीबन कुछ एक महीने तक जहां पर हम लोग पंद्रह सौ हजार से पंद्रह सौ एमसी का टारगेट बना कर रखे है ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं लेकिन हजार से कम नहीं हो गया ठीक है पंद्रह सौ से ज्यादा हो सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर अभी हम लोग आ, इस पर्टिकुलर मुकाम पर है जहां पर बहुत ही अमेजिंग तरीके से पढ़ाई चल रही है मैं सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रोज यहाँ पर रेगुलर रहे आपकी बहुत प्रैक्टिस होगी एक दिन मिस हो रहा है तो चालीस पचास एम से क्यों मिस हो रहे एक हफ्ता मिस कर रहे हो तो सोचिए कितना कुछ मिस कर रहे हो ठीक है चलिए डिक्रीज इन द डिमांड फॉर मोबाइल अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम

ओके okay, इजी यहां पर ये अगेन स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है हम लोगों ने स्टडी मटेरियल ऑलरेडी एक बार कर लिया है ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी मटेरियल कर लिया है एक बार ये वाली एमटीपी थोड़ी सी आसान है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इनफेरियर गुड्स इज फॉल्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इनफेरियर गुड्स इज फॉल्स

वन ओनली चलो मैं 50 50 ऑप्शन देता हूँ आप इन दोनों में से बता दीजिए क्या सही आंसर है मैं आपको 50 50 का आंसर ये दे रहा हूँ 50 50 का ऑप्शन दे रहा हूँ ठीक है इन दोनों में से बता दीजिए इन दोनों में से कुछ ना कुछ है व्हिच ऑफ देम इज फॉल्स पूछा है बहुत इजी था आई गेस ये भी हमारे रियल में सवाल है है ना ये भी हमारे स्टडी मटेरियल में था अकॉर्डिंग टू मी सीएनडी वाले पता नहीं कौन से गोले से हैं, पता नहीं क्या कर कर आए हैं, है ना? मतलब हम कुछ कहना ही नहीं चाहते उनके बारे में हम कुछ ना ही कहे तो बेटर है बिना फालतू तो हमसे कुछ गलत गलत शब्द निकल जाएंगे और हम चाहते नहीं कि हम ऐसी कोई भी हरकते करे पर आपके आपके दिल को ठेस पहुंचे हम कुछ बोल दे तो ठीक है तो हम कुछ ना ही बोले तो बेहतर है मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच टू डिमांड वॉज गिवन बाय बहुत सिंपल बहुत मतलब बहुत सिंपल YouTube वाले प्यारे प्यारे बच्चों तुम लोग भी लाइक वाइक कर देना सेशन को आई होप तुम लोग को ही मजा आते रहेगा है ना तुम लोग को मजा आते रहेगा रेगुलरली करते रहोगे ऐसे उम्मीद करता हूं मैं बहुत ही ईजी है ओके वेरी गुड amazing चलिए आगे बढ़ते हैं अथर्व बेटा रुक जाओ बेटा देखेंगे ठीक है रुक जाओ रुक जाओ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस फ्रॉम सिक्स टू फोर एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गुड इंक्रीजेस फ्रॉम टेन टू फिफ्टीन को एफिशियंट ऑफ द प्राइस यूजिंग द पॉइंट लास्टिस मेथड सो बताइए मुझे यहां पर क्या सही जवाब होगा तो बताइए मुझे यहाँ पर क्या सही जवाब होगा ओ माय गॉड्स ओ माय गॉड्स तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलत होते हुए और मैं आपको कह दू कि इतना गलत कैसे हुआ इतना गलत कैसे हुआ ये हमारे इसमें सोल्ड हमारे बुक में है ये सोल्ड हमारे बुक में है ये बता दे तुमको बता दे तुमको बुक में है तुम्हारे ही देख लो एक सेकेंड बताते हैं बेटा मैं पूरा की पूरा देखो आपके लिए ये सजा कर लाया हूं देखो ये क्या है ये सेम टू सेम क्वेश्चन है हा या नहीं तो कैसे गलत हो सकता है बुक पढ़ते नहीं हो कहा नहीं पढ़ते हो बुक पढ़नी चाहिए बुक गलत चीज कर रहे हो ना फिर अगर आपको चाहिए है ये तो आपको बुक में मिल जाएगा और अगर आपको फिर भी चाहिए है तो आपको पता है मेरी जो लिंक है लिंक कौन सी लिंक है मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी लिंक और वहां पर आपको सारे न्यूमेरिकल कहां पर मिलेंगे आपको पता ही होगा उसमें ये लिंक में सारा सब कुछ बताया गया है कि कहां पर क्या मिलेगा तुम्हें ठीक है ठीक है चलेगा ओके ओके चलो तो यहां पर देखिए यहां पर देखिए

बताइए हमका बताइए काहे है सही जवाब का है माई गॉड ओ माई गॉड ओ माई गॉड वॉट इज दिस गाइज अरे ई भी सॉल्व क्वेश्चन है बेटा ये भी तुम्हारा बुक में है हम बताएंगे आपको ई आप ई भी बताएंगे आपको काहे कर रहे हो बे बुक नहीं पढ़ते हो का ई देखिए हम यहाँ पर तुम्हारे बुक में से चिपकाकर लाए हैं ये क्वेश्चन बुक में से ढूंढ कर लाए हैं क्वेश्चन देखो सोदर तुमको सोल्यूशन बता पा है अब देखो सेम टू सेम है ये सप्लाई फंक्शन गिवन है माइनस हंड्रेड फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यूजिंग द पॉइंट मेथड वेन रुपीज तो यहाँ पर आपको डी क्यू अपॉन 10 टेन दिया गया है DQ upon DP is a 10. P is 15. तो पर पर हम DQ upon DP जो 10 है, वहाँ पर 15 लाएंगे. और उससे हम लोग पहले क्वांटिटी को फाइंड करेंगे अब जब क्वांटिटी हमारा फाइंड हो चुका है तो हम फिर इलास्टिसिटी फाइंड करेंगे तो इलास्टिसिटी जब फाइंड किए है तो हमारा आंसर थ्री आया है तो देखिए यहाँ पर ये यह सब कुछ दिया गया है सो डी पी डी क्यू अपॉन डीपीजियन ऑफ सप्लाई फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दाइस So, यहाँ पर पूरा की पूरा डिटेल वहां बताया गया है ठीक है डिटेल में बताया गया है तो बेटा हम आपसे कहना चाहते हैं, इकाहे कर हो। इकाहे कर दिए दिए हो, हो, समझे क्या समझे क्या एवरी अब गलत नहीं होगा देख लिया है पक्का हमारे बुक में ही था ठीक है वेरी गुड बेटा मिस्टर सीक्रेट तुम्हें यही देखना था ना तुम लीडर वोड पर हो यस yes, तुम आ गए हो बेटा ठीक है रोहन शुभम सौरभ सीक्रेट श्री पार्थ बंसल निशा अर्श एंड रोहिदास चलिए रोहिताइज इलास्टिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट इट मैन्युफैक्चर इज थ्री पॉइंट फाइव what वुड बी द करेक्ट एक्शन फॉर द firm टू टेक इफ इट wishes टू रेज द टोटल रेवेन्यू

क्या हो गया 3.5 मतलब इलास्टिक है रेवेन्यू बढ़ाना है तो प्राइस कम करनी पड़ेगी तो प्राइस कम करोगे इलास्टिक है तो लोग ज्यादा खरीदेंगे कितना सिंपल सवाल था ये क्या कर रहे हो हा? क्या कर रहे हो भाई क्या कर रहे हो 3.5 बोला मतलब इलास्टिक हो गया ना रे वन से ज्यादा तो इलास्टिक है ना भरा तो आपने को रेवेन्यू इंक्रीज करने का है तो प्राइस कम करेंगे तो लोग ज्यादा आएंगे परचेस करने के लिए राइट चलो कोई बात नहीं ऐसा कैसे करते हो ब्रो इन स्ट्रेट लाइन डिमांड कर मीटिंग द टू एक्सेस एक्सेस का नाम नहीं देना सर मीटिंग टू एक्सेस द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट वाई एक्सेस ऑफ द लाइन वुड बी इक्वल टू बताइए क्या है सिंपल सवाल है बहुत सिंपल सवाल है लाइफ में कुछ भी बोलने का लेकिन एक्स नहीं बोलने का oh my god oh my god what's this what's this oh pi oh pi oh pie why access इन्फेनेटे पर इलास्टिक क्या कर रहे हो ब्रो कैल्कुलेट द इनकम इलास्टिसिटी फॉर द हाउस होल्ड द इनकम ऑफ द हाउस होल्ड राइजेज बाय टेन परसेंट द डिमांड फॉर द लैपटॉप राइजेस बाय ट्वेंटी परसेंट सोच समझ कर आंसर देना बहुत सिंपल है इतना सिंपल सवाल मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा कितना सिंपल है ये बताओ 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 डी आंसर देने वाले पता नहीं कौन है भाई ये लोग मतलब डी को ऑप्शन मैंने दिखाया नहीं तो भी पांच परसेंट लोग उसमें हैं इन पांच परसेंट को भगवान भी नहीं बचा पाएगा <laughs> इन पांच परसेंट वालों को भगवान भी नहीं बचा पाएगा yes. हम दुआ करते हैं लेकिन फिर भी कि कुछ ना कुछ हो जाए बच्चों का है ना yes.

उसमें भी ये चीज करवाई है मैंने उसमें भी ये चीज मैंने करवाई है बहुत खतरनाक तरीके से बच्चे यहाँ पर गलत मतलब यार तुम लोग ना ऐसे लोग कुछ लॉजिक नहीं लगाते हो है ना और बिना सोचे समझे कुछ भी मल्टीप्लिकेशन एडिशन करते हो और वो ऑप्शन में दिख गया तो खत्म कर देते हो है ना 350 150 कर दिया 200 आ गया 200 दिख गया खत्म कर दिया कितना गलत अप्रोच नहीं है ये कितना गलत अप्रोच है ये मतलब इसमें कोई सेंस है इस बात का हाँ बताओ मेरे को कोई सेंस है इस बात का कोई सेंस नहीं है इस बात का लेकिन मैक्सिमम बच्चों का आंसर वही है तो भाई क्या कर रहा है तू मतलब क्या कर रहा है ठीक है यहां पर क्या बोला है 7 यूनिट्स ऑफ आउटपुट पे एवरेज टोटल कॉस्ट 150 है तो अब ये एवरेज टोटल कॉस्ट है एंड हैज टू पे 350 टुवर्ड्स द फिक्स्ड फैक्टर्स तो इसको तुम मल्टीप्लाई कर कर बताओ मेरे को कितना होता है ये 150 इनटू 7 कितना होता है बताओ मेरे को जरा 1050 ये मेरा टोटल कॉस्ट हो गया अब ये टोटल कॉस्ट में से 350 मेरा फिक्स्ड फैक्टर्स की तरफ है तो 700 मेरा वेरिएबल फैक्टर की तरफ है डिवाइडेड बाय 7 यूनिट्स किया है ना क्योंकि मुझे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ द वन यूनिट देखना है तो 100 है थोड़ा सा तो लॉजिक लगाओ यार लेकिन वो तो नहीं करना है अपने को अपने को क्या करना है 350 150 200 200 इज द राइट आंसर क्वेश्चन पढ़ो पूछा क्या है वो पढ़ो क्या पूछा है वेरिएबल कॉस्ट पूछा है अपने को 2 और 2 देखा नहीं 2 प्लस टू फोर क्या भाई किस बात की जल्दबाजी है दो घंटे हमारे पास दो घंटे और दो घंटे में तुम्हारा एक घंटे में ही पेपर होने वाला है वन आवर में पेपर हो जाएगा तुम्हारा कंप्लीट ये हंसने वाली बात नहीं है ये तुमको सच में यहाँ पर ध्यान रखना है एक एक मार्क्स अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं

टू डिवाइडेड बाई टू प्लस टू को ये फोर कहने वाले बच्चे है ये है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता है गलत है बेटा बिल्कुल सही कहा निशांत बेटा तुम निशांत बेटा तुम कभी कभी बहुत अच्छी बातें बोलते हो सर ओसम ओसम तो यहाँ पर देखिए कि ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन है ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन वन सर कैसे हो आप बेटा मैं तो ठीक हूं कल ही तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे हम कहां पर गायब हैं क्या किधर है अपने को 90 स्कोर करना है बीबी सरा भूल गए क्या क्या कर रहे हो ब्रो हो गया ना अभी सब कुछ फेस्टिवल वगैरह ऐसा नहीं करने का लास्ट मोमेंट पर आकर तुम ऐसा करोगे तो देखना वो तुम्हारी दोस्त कहां पर है, दोस्त कहां पर है तुम्हारी देखो भाई अभी। तुम्हारी इच्छा है देखो मेरे को कुछ नहीं लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि यू हैव दैट पोटेंशियल तुम बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट रहे हो अटेंड कर रहे थे लास्ट तक और आई डोंट नो व्हाट आर यू डूइंग ठीक है yes. सर उसकी आई में इंजरी हुई है उसने बताया सर आई में इंजरी हुई है ओके अमित शर्मा कह रहा है सर मैंने आपकी एमसी की बुक को ऑर्डर करी है सर मुझे नहीं मिली है आउट ऑफ डिलीवरी बोल रहा है नहीं आज हो जाएगा स्टॉक में आज मिल जाएगा तुम्हें ठीक है वो स्टॉक में भी हो जाएगा और तुम ऑर्डर भी कर पाओगे और तुम्हें मिल भी जाएगी एक हफ्ते के अंदर ठीक है नेक्स्ट डे डिस्पैच हो जाएंगी तुरंत ठीक है यस डोंट वरी एट ऑल

मैं तुरंत उनको बता देता हूँ कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम लोग हाकेंड ओके चलिए सो 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 आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अगले सवाल की तरफ क्या आंसर था इसका 29 से अभी अभी देखना ठीक है बहुत सिंपल है टोटल रेवेन्यू ऑफ द थर्ड यूनिट टोटल रेवेन्यू ऑफ द थर्ड यूनिट एकदम टाइम पास क्वेश्चन एकदम टाइम पास क्वेश्चन कुछ है ही नहीं मतलब इस क्वेश्चन में है ना कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में लेकिन फिर भी किसी किसी को न्यूमेरिकल फोबिया होता है नंबर देखते से ही एकदम ऐसा धक 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 होता है तो वैसा होना नहीं चाहिए ठीक है न्यूमेरिकल फोबिया ओके ट्वेंटी फिफ्थ को डिस्पैच हो गया है सर

एकदम फास्ट सर्विस है बेटा नेक्स्ट डे आज ऑर्डर किया नेक्स्ट डे तुरंत डिस्पैच होता है कट ऑफ टाइम तीन बजे से पहले ऑर्डर किया ना तो सेम डे निकलता है सेम डे अगर तीन बजे के बाद किया तो दूसरे दिन निकलेगा ठीक है ऐसा है द एवरेज रेवेन्यू ऑफ सेकंड यूनिट इज एवरेज रेवेन्यू ऑफ सेकेंड यूनिट एवरेज रेवेन्यू ऑफ सेकेंड यूनिट सो ये भी बहुत सिंपल है बहुत मतलब बहुत मतलब बहुत ज्यादा सिंपल है right पुणे से थ्रो करो उनके घर पर पहुंच जाएगा उनको हाँ बेटा ऐसे ही लग रहा है उनको है ना मजाक लग रहा है इनको बताओ इनके। रहा है इनके कहा है कर रहे ये मतलब इससे पहले कौन सा एमटीपी हुआ था वेरी गुड बेटा वेरी गुड गणेश अक्टूबर 2018 का एमटीपी हुआ था इससे पहले आज अक्टूबर 2020 को अपने को कंप्लीट करना है ठीक है द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ द फोर्थ यूनिट इज मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ द फोर्थ यूनिट इज तो यहां पर इन दोनों में से ही बता दो बेटा दोनों में से ही बता दो सर आज मुझे मैसेज आया है कि आपके यहाँ सर्विस नहीं है ऐसे बोल रहे हैं अच्छा अमित बेटा तुम ना मेरे को मैसेज करो ठीक है तुम्हारा मैं नंबर देखकर ना तुमको कॉल करवाता हूँ दिक्कत आ रही लगता है बैठे हो तुम मेरी टीम तुमको कॉल करेगी अमित शर्मा ना ठीक है मेरी टीम तुमको कॉल कर देंगी बेटा मैं बताता हूँ अमित शर्मा बेटा यही नाम से है ना या फिर मेरे को मैसेज कर देना किधर भी ठीक है मान नहीं रहा है भाई तो बेटा यहाँ पर देखो ये चालीस होता है ये साठ होता है इन दोनों का डिफरेंस वो बीस होता है माइनस बीस एक्चुअल में होना चाहिए लेकिन ऐसा कुछ है नहीं पर ठीक है ठीक है ठीक है, है? अपन उसी को कंसिडर करेंगे ठीक है चलिए बहुत ही ऑसम सवाल है इसको हम मार्क कर रहे हैं तीन स्टार तीन स्टार मार्क कर रहे हैं suppose that the owner is earning the total revenue of 1 lakh and is increasing the explicit cost of 60,000. so if the owner could work for another company for 30,000 a year, we would conclude that he is earning the economic profit of 10,000, the firm is earning the accounting profit of 40,000, the firm is earning the economic profit of 40,000. both a and b is the right answer. Kya lagta hai aapko? ओहो जबरदस्त जबरदस्त ऑसम 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 अरे भैया काहे कर दिए हो गए हम बताते हैं तुमको कैसा है आंसर ये अब देखो बेटा एक लाख रुपए कमा रहा है साठ हजार रुपए का खर्चा है चालीस हजार रुपए जो है इसका होगा ये अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट ऑफ टेन थाउजेंड रुपीज ठीक है yes. अब ये जब चालीस हजार का ये जो कमा रहा है अगर वो दूसरे जगह पर काम करता था तो तीस हजार रुपए कमाता था तो अभी भी ये दस हजार रुपए के मुनाफे में बैठा है तो मतलब ये इकोनॉमिक प्रॉफिट भी दस हजार रुपए का कमा रहा है जबरदस्त बात है ये। ये अगर धंधा नहीं करता था तो ये दूसरे जगह पर तीस कमा सकता था लेकिन अभी भी तो मतलब का इकोनॉमिक प्रॉफिट है ना भैया को तो बोथ ए एंड बी इज करेक्ट अब बच्चे ए आंसर काहे दिए क्योंकि हमारे आई के बुक में आंसर ए दिया है इसलिए बच्चे ए कर दिए जिसके पास आंसर शीट भी है जिसके पास आंसर सीट भी है वो ए कर दिए समझ रहे हो समझ रहे हो लेकिन एक खाद आंसर कभी कभी गलती हो जाती है आईसीआई की एक एकाद आंसर की एक एकाद आंसर की गलती हो जाती है लेकिन अभी क्या है अपने को क्या करने का है अपने को आंसर डी देने का है समझे क्या समझे क्या क्योंकि साफ साफ है ना भैया एक लाख और साठ हजार चालीस हजार का तो अकाउंटिंग प्रॉफिट है दस हजार का तो इकोनॉमिक प्रॉफिट है अब दोनों की दोनों तो सही है तो आंसर तो डी हो गए आंसर तो डी हो गए चपाटी अच्छा तो इसलिए हमने इसको कहा है किया है तीन स्टार किए है तीन स्टार किए है इसको समझे अब क्या हो गया यहाँ पर एक्सीडेंट लिख दो यहां पर जहां पर भी ऐसा लगता है ना आपको तो वहां पर एक्सीडेंट पॉइंट लिख देने का

तो यहाँ पर YouTube वाले बच्चों को भी समझ में आ गया प्रीवियस वाला क्वेश्चन जो हम बताए अभी समझ में आ गया बेटा स्पेशल क्लास वाले बच्चों को समझ में आ गया बेटा ओके वेरी गुड ये तो इजी पीजी है ये तो काफी इजी पीजी क्वेश्चन है भैया एडवर्टाइजमेंट कहा है करते हैं सेल धंधा बढ़ाने के लिए हां द पीक्स एंड ट्रॉक्स ऑफ द बिजनेस साइकल्स आर कलेक्टिवली नोन एज इतना सिंपल सवाल मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखा इससे सिंपल सवाल मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखा इससे खमान 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 सर ओगी स्टाइल में बोलो ना हाँ बेटा यहाँ पर सारी स्टाइल में बोलूंगा अभी क्या है एंटरटेनमेंट ही हूं ना मैं तुम्हारे लिए हाँ क्या रे ओगी स्टाइल में बोलो शाहरुख स्टाइल में बोलो सलमान स्टाइल में बोलो हाँ एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो बेटा मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ हाँ हा? क्या रे द टर्म बिजनेस साइकिल रेफर्स टू हम एक बार जीते हैं एक बार मरते हैं प्यार भी एक बार होता है और अटेम्प्ट भी एक ही लगना चाहिए <laughs> समझे क्या चलो आगे बढ़ते हैं द टर्म बिजनेस साइकिल रेफर्स टू द टर्म बिजनेस साइकिल रेफर्स टू The ups and downs in the production of the commodities, the fluctuation levels, the fluctuating levels of the economic activity over period of time, decline in the economic activity over prolonged period of time, and increasing unemployment rate and diminishing the rate of savings. So, here, you have to tell me what is Correct answer. Tell me. Very simple. Very सर आपकी ओगी स्टाइल वाली स्माइल मस्त है अच्छा ओके okay. ओके okay. so, ये बहुत ही सिंपल सवाल है देखो बिजनेस साइकिल्स का ये भी बिजनेस साइकिल्स का है विच ऑफ द स्टेटमेंट फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट business cycle occur periodically although they do not exhibit the same regularity business cycle have distinct phases of the expansion contraction trough business cycle generally originate in the free market economies and all of the above oh my god we have seen these features of the business cycles this is so simple come on everyone <laughs> mtp thodi si hai wali mtp thodi si wali पहली वाली काफी टॉक्सिक थी कौन एम दूसरी वाली काफी अच्छी है कौन एम ओके ओके हैसम ऑसम ऑसम विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटर्नल कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल एक्सटर्नल हमने तुमको बताया था इंटरनल एक्सटर्नल तीन इंटरनल का पूछेंगे एक एक्सटर्नल का पूछेंगे एक एक्सटर्नल का पूछेंगे तीन इंटरनल का पूछेंगे ऐसा हो सकता है बताया था कि नहीं बताया था सारा सब कुछ बहुत अच्छे से करवाया था हा बेटा हा या ना यस yes. चलिए ऑसम चैप्टर फोर का वन शॉट है क्या सर आने वाला है आने वाला है इस शनिवार इस शनिवार ने इस रविवार को शाम सात बजे एक मूवी लगने वाली है उस मूवी का नाम है बीसी के चैप्टर नंबर सिक्स वन शॉट ठीक है इस रविवार सात बजे भूलिएगा मत

तो बताइए आज वैसे हम लोग कॉस्ट करने वाले बेटा कॉस्ट आशीष आया ना आशीष पांच बजे कॉस्ट है कॉस्ट बजे सर ये वाली बताइए कितने बार बताए यार ये अक्टूबर ट्वेंटी वाली एम है इसके पहले अपन ने अक्टूबर एटीन किया था न्यू फर्म्स आर बैड फ्रॉम एंटरिंग द मार्केट्स न्यू फर्म्स आर बैड फ्रॉम एंटरिंग द मार्केट यहाँ पर बहुत ही सिंपल है बहुत सिंपल है बहुत मतलब बहुत मतलब बहुत 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 सिंपल है यहाँ पर अगर किसी को भी मेरी फ्री वीडियो लाइब्रेरी अगर देखनी है तो वो जा सकता है बेट डॉट एल स्लैश डागा टेन 10, आगे तो तुम्हें पता ही होगा बिटली ठीक है सो यहाँ पर है मोनोपोली हाँ बेटा आज कॉस्ट है पांच बजे बहुत मजा आने वाला है स्पेशल क्लांस फिर पांच बजे आज तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएंगी ठीक है? आउटपुट डिटर्मिनेशन प्राइज रिजिडिटी प्राइज लीडरशिप एंड कल्यूजन अमंग द राइवल्स टू डिमांड हाइपोथेसिस इट्स अ वेरी सिंपल थिंग टू डिमांड कर Yes, everyone. Come on, come on, come on. चलिए आसम. Awesome. Price rigidity. So in economics, what a consumer is ready to pay minus what he actually pays is termed as. बहुत सिंपल है. इसके लिए मैं तुम्हें टाइमर कम कर देता हूँ. बताइए बहुत सिंपल है क्या? बहुत मतलब बहुत मतलब बहुत बहुत बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा सिंपल है क्या? बिल्कुल सही जवाब है है ये इसका आंसर कंज्यूमर सरप्लस आपको तो पता ही होगा कंज्यूमर सरप्लस में हम लोगों ने कैसे निर्मला सीतारमन जी को एडवाइज करी थी आपको तो पता ही होगा कोरोना के टाइम पर कैसे किया था कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज द रिजल्ट ऑफ contraction in demand is a result of decrease in the number of consumer increase in the price of the goods concern increase in the price of the other goods and decrease in the income of purchases so par bataayye, what is the right answer for this qos बहुत खूब तो यहां पर अभी बताना है तुम्हें प्राइस टेकर फर्म्स प्राइस टेकर फर्म्स क्या करती है प्राइस टेकर फर्म्स एडवर्टाइज टू इंक्रीज द डिमांड फॉर दियर प्रोडक्ट्स

सीए इज हीदर देन क्या बोल रहा है 11 एंड ट्वेल्थ बेटा मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा जो भी बोल रहा है ना बेटा उसके बारे में क्या ही बोलू मतलब ठीक है इजीएस्ट कोर्स मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा बस ठीक है भगवान पता है मेरे को किसने बोला था रियलिटी में मेरे को नाम भी पता है जिसने बोला था ठीक है क्या करें बेटा क्या करें जनरली पेरिसेबल गुड्स लाइक बटर एग्स मिल्क वेजिटेबल्स वगैरह विल हैव सो बहुत ही सिंपल है यार ये तो मतलब क्या ही बोलूं मैं कौन से टाइप का मार्केट है ये? एक एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है टीचर है वो ठीक है टीचर है वो और वो कहते हैं कि मैं जब ट्वेल्थ पढ़ रहा था ना ट्वेल्थ तो मेरे को तो मतलब ये पता ही था कि मेरी अभी रैंक आने वाली सीए में ठीक है और सीए ट्वेल्थ डिफिकल्ट सीए से ट्वेल्थ ज्यादा इजी है ये इजी है ट्वेल्थ से ट्वेल्थ ज्यादा डिफिकल्ट है अरे भाई पता नहीं कैसे कैसे बोल लेते मतलब पता नहीं अब कुछ बोल भी नहीं सकते हैं है ना कुछ बोल भी नहीं सकते और ठीक है ठीक <laughs> है प्योर ओलिकोपोली इज बेस्ड ऑन डैश प्रोडक्ट्स प्योर ओलिकोपोली इज बेस्ड ऑन अपनी अपनी श्रद्धा है बेटा ठीक है ओके okay. चलिए आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं सो पर इन द लॉन्ग रन एनी फर्म विल इवेंचुअली लीव द इंडस्ट्री इफ प्राइस डज नॉट कवर एटलीस्ट द एवरेज टोटल कॉस्ट प्राइस डज नॉट कवर द मार्जिनल कॉस्ट इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर बीन रीप्ड एंड प्राइस इज ग्रेटर देन द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कफ सो यहां पर लॉन्ग रन में क्या होगा बोला गया है तो यहां पर बताइए व्हाट इज गोना है लॉन्ग रन इन द लॉन्ग रन यस छल मिछाल मिशाल बिग गाइड व्हाट इज द राइट आंसर ओ माई गॉड इतने सारे बच्चे कैसे गलत हुए हैं इतने सारे बच्चे कैसे गलत हुए हैं ब्रो इट इज वॉज सो 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 सिंपल मैन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन करेक्ट अंडर मोनोपोली देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द फर्म एंड द इंडस्ट्री अ मोनोपोलिस्ट में रेस्ट्रिक्ट आउटपुट एंड रेज द प्राइस कमोडिटीज ऑफर्ड फॉर सेल अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन विल बी हेट्रोजीनिय

तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं कि हम लोगों ने दो एम आज कंप्लीट करने का इरादा है आज हमारा सेकेंड एम यस इफ अ फर्म्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज राइजिंग द मार्जिनल कॉस्ट कर्व मस्ट बी अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट राइज होती है तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व मस्ट बी कॉन्स्टेंट अब टोटल कॉस्ट कर्व अबाउट द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व एंड ऑल ऑफ द अबव अगर तुम लोगों को तुम इमेजिन कर पा रहे हो क्या अगर तुम इमेजिन कर पा रहे हो डायग्राम को ठीक है तो तुम्हें समझ में आएगा फर्म्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज राइजिंग द मार्जिनल कॉस्ट कर्व मस्ट बी यस बताओ वेरी गुड वेरी गुड वेरी 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 अपन कॉस्ट में डायग्राम्स देखने भी वाले हैं आज शाम को पांच बजे स्पेशल क्लास पर अपन ये ग्राफ्स को देखने वाले हैं अपन टाइप्स ऑफ कॉस्ट देखने वाले हैं बहुत 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 मजा आने वाला है वेन द प्रोडक्ट आर सोल्ड थ्रू द सेंट्रलाइज बॉडी ओलिगोपोली इज नोन एज सेंट्रलाइज पुष्पा भाव पुष्पा भाव पुष्पा भाऊ मैंने बताया था मैंने बताया था ये राइट डू यू रिमेंबर ओके, okay. सो so, यहां पर आप लोग देख सकते हो सिंडिकेटेड ओलिगोपोली। वेन द डैश वी नो दैट द फर्म आर जस्ट अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स नॉर्मल प्रॉफिट्स नॉर्मल प्रॉफिट्स नॉर्मल प्रॉफिट्स नॉर्मल प्रॉफिट्स

चलिए आगे बढ़ते हैं फुल कैपेसिटी इज यूटिलाइज ओनली वेन देर इज फुल कैपेसिटी चलो इसी दोनों में से बता दो फुल कैपेसिटी कहां पर यूटिलाइज होता है इन दोनों में से बता दो फिफ्टी फिफ्टी तुम्हारे लिए तुम भी क्या याद रखोगे हमारा दिल बहुत बड़ा है बेटा तुम भी क्या याद रखोगे चलो बताओ बताओ बताओ, बताओ चलो फुल कैपेसिटी होता है यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन को स्टार मार्क करना ये नॉर्मल प्रॉफिट पर सवाल आने के चांसेस होते हैं ये वाले क्वेश्चन को स्टार मार्क करना ये जो टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली वहां पर सवाल आने के चांसेस होते हैं ये वाले क्वेश्चन को भी स्टार मार्क करना बिकॉज जहां पर ए टी इन्वॉल्व होता है इनके रिलेशनशिप्स पर जनरली सवाल काफी ज्यादा पूछे जाते हैं और एम uh, सी तो यहाँ पर ये जैसे भी जो कुछ भी है ना यहाँ पर जनरली सवाल पूछे जाते हैं द परफेक्ट कॉम्पिटिशन अगेन दिस इज टू स्टार सो प्लीज टेक दिस क्वेश्चन सीरियसली गाइस ठीक है यस yes? चलिए आगे बढ़ते हैं एंड इकोनॉमी अचीव द प्रोडक्टिव एफिशियंसी वेन the best quality of the goods are produced highly skillful resources in the country are fully employed all the resources are utilized and goods and services are produced at least cost and none of the above बहुत सिंपल है इसी टाइप का हम लोगों ने एक सवाल देखा था प्रोडक्टिव एफिशिएंसी वाला पिछले वाली इसमें पिछले वाली एमटीपी में तो देखा था हम लोगों ने अगेन प्रोडक्टिव एफिशिएंसी पे पूछा गया है

और क्या है ना वो कंट्री कंट्री रिलीजन वगैरह जो है ना उस पर अगर कुछ भी चीजें होती है तो अपन उसको एंटरटेन नहीं करते बिना फालतू की ना जो चीजें होती है ना वो गलत हो जाती है मतलब बड़े प्लेटफॉर्म पे है ना सो so, यस yes, तो वो एक कंट्री क्या नाम आया है उसमें तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं ऐसी कोई भी चीजों में पढ़ू है ना फॉर दैट रीजन आई एम आउट ठीक है <laughs> the price of the pizza increases by 22% and the quantity of the pizza demanded falls by 25% this indicates that it is elastic it is inelastic unitarian perfectly अरे होता कुछ नहीं लेकिन फिर भी तुम्हें पता है ना यार प्रिंसिपल्स अब हर एक इंसान के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं बिना फालतू से लगता है नहीं यार कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए है ना ओपन प्लेटफार्म पर क्यों हम किसी कोई चीज को इन्फ्लुएंस करे कुछ बच्चे इन्फ्लुएंस जाते प्रेरित करे है ना? Yes. तो ऐसी वाली बात है बेटा तो यहाँ पर ये यह इलास्टिक है क्योंकि 25 परसेंट से डिमांड चेंज हो रही है ठीक है 25 परसेंट से <laughs> Which Which of 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 the the following following is is not not an example of co Which of the following is not example coincident indicator? of coincident indicator? ये मैंने मेरी कोई टेस्ट में भी सवाल पूछा है ऑफ तक मुझे याद है ये मैंने मेरी कोई टेस्ट में सवाल पूछा था अनुभा बोल रही है क्यों बेटा क्या हो गया हा किधर जा रहे हो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त हा? What? ठीक है है जो इंडिकेटर वाला है इसलिए कोई इंसिडेंट में नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू डैश द ट्रेड साइकिल इज प्योरली मॉनिटरी फेनोमेना मोनिटरी बोला है तो कौन है यहां पर क्या है नाम उस, उसका ईज़ी है वेरी गुड वेरी 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 गुड चलिए औसम हाँ भाई जिसको देखना है देखो जिसको नहीं देखना है मत देखो ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है झगड़े मत करो यार टेल एनी एनी वन यार अपनी अपनी इच्छा है अपनी अपनी श्रद्धा है हा? देखना है तो देखो नहीं देखना है मत देखो हाँ <laughs> क्या ऐसे छोटे बच्चे हो गया छोटे बच्चे हो गया क्यों झगड़ रहे हो ठीक है पसंद है देखो नहीं पसंद है मत देखो खत्म करो यार चीज ठीक है हॉलीवुड देखना हॉलीवुड देखो बॉलीवुड देखना बॉलीवुड देखो शाहरुख खान को देखना शाहरुख खान को देखो सलमान खान को देखना सलमान खान को देखो अर्जुन कपूर को देखना है तो अर्जुन कपूर को देखो तुषार कपूर को देखना है तो तुषार कपूर को भी देख सकते हो तुम जो करना है वो कर सकते हो और अगर अनिल कपूर को देखना है तो अनिल कपूर को भी देख सकते हो ठीक है सो यू वॉन्ट टू डू मैन जस्ट डू इट ठीक है जस्ट डोंट जस्ट डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स ओवर हियर राइट ठीक है अपने अपने ट्रबल मत करो ठीक है do whatever you want to do man yes. okay the most probable outcome of an increase in the money supply is बताइए बताइए बहुत सिंपल है बताइए बहुत सिंपल है अर्जुन कपूर बोलने के बाद बच्चे शांति बैठ गए नहीं अर्जुन कपूर तुषार कपूर बोलने के बाद Okay Last Ke Saval oh my God, this is awesome. Suppose the technology for the producing the personal computer improves and at the same time the individual discovers the new users for the personal computer so that there is a greater utilization of personal computer which of the following will happen to equilibrium price and equilibrium quantity. Oh my God, this is awesome question. This is awesome question. बताइए बताइए ओके 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 लास्ट के दो सवाल है यहां पर आपके सामने अज्यूम दैट द कंज्यूमर्स इनकम एंड द नंबर ऑफ सेलर्स इन द मार्केट फॉर द गुड ए बोथ डिक्रीजेस

Yes. C C ठीक है yes. बहुत सारे बच्चे गलत हो गए यार चलिए 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 सो so, यहाँ पर ये सिचू फाइव था बेटा हमारा अगर तुम देखोगे सिचू फाइव में तो आपको समझ में आ जाएगा तो यहां पर हम बताना चाहते हैं आपसे कि हम लोगों ने अक्टूबर 2020 का एम खत्म कर दिया है अक्टूबर 2018 का भी एम खत्म कर दिया है ठीक है आज अपन शाम में मिलने वाले हैं पांच बजे जहां पर हम लोग कॉस्ट करने वाले हैं स्पेशल क्लास पर ठीक है तो पांच बजे आज करेंगे सैटरडे यानी कि कल मैं आपको दे रहा हूं हॉलीडे ठीक है संडे भी आपको होगा हॉलीडे फॉर एम टी पी ओनली लेकिन संडे को पिक्चर लगने वाली है शाम को सात बजे कौन सी पिक्चर लगेगी बीसी के चैप्टर नंबर सिक्स की ठीक है बीसी के चैप्टर नंबर सिक्स की पिक्चर लगेगी शाम को सात बजे चार घंटे की पिक्चर होगी ठीक है चार घंटे की सो दिस इज हाउ इट इज बी सो so, यहाँ पर जाने से पहले बस बच्चा पार्टी इतना ही कहना चाहेंगे अगर कोई भी आपका मित्र कोई भी आपका मित्र कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो आप उसे बता सकते हो की वेबसाइट पे वो लोग जा सकते हैं दे कैन यूज माई कोड इजा दे कैन अवेल द द सब्सक्रिप्शन इन प्लेस यहाँ पर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेना है कॉम्बो भी ले सकते हो नॉर्मल लेना है नॉर्मल भी ले सकते हैं डागा टेन इज द कोड यू कैन यूज माई कोड यू कैन जस्ट गेट स्टार्टेड प्लस क्लासेस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ट्वेंटी फाइव परसेंट डिस्काउंट आपको मिल रहा है अभी जो कि वैलिड है आपको कब तक जो कि वैलिड होगा आप लोगों को अठारह so, महीने में ओनली थर्टी वन थाउजेंड नाइन ट्वेंटी अगले महीने से पांच परसेंट डिस्काउंट होने वाला है अगले महीने से पांच परसेंट डिस्काउंट होने वाला है सो यू कैन थिंक अबाउट इट अकॉर्डिंगलीस इन प्लेस